सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं बायटी स्टूडियो पे एक ऑप्शन होता है जिस पे लिखा एलिजिबिलिटी। आप देख लीजिए, आपको यहाँ पे दिखाई देगा एलिजिबिलिटी का ऑप्शन, उसके नीचे लिखा है शोइंग डाटा एज ऑफ 15 मई 2024। जब आप ऊपर से स्क्रॉल करेंगे, देख लीजिए मैं ऊपर से स्क्रॉल करता हूँ तो सेम मैसेज आपको यहाँ पर भी लिख करके आ रहा है एलिजिबिलिटी का, उसके नीचे सेम मैसेज आपको आ रहा है शोइंग डाटा एज ऑफ 15 मई 2024। यह मैसेज यहाँ पर क्यों आ रहा है? यह मैसेज उन्हीं के चैनल पर आता है जिसका चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ। जैसे मान चलिए आपका चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ तो आपके चैनल पे यह मैसेज आता है। मेरा चैनल एक मोनेटाइज हो चुका तो मेरे चैनल पे यह मैसेज आ रहा है। आप साइड पे देख सकते हैं, मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका तो मेरे चैनल पे यह मैसेज आ रहा है, और जिनका चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ तो इनके चैनल पर यह एलिजिबिलिटी का ऑप्शन आ रहा है। तो ऐसा मैसेज क्यों आ रहा है, इस मैसेज का क्या मतलब है? जो आपके लॉन्ग वीडियो का वॉच टाइम होता है या कि शॉर्ट्स वीडियो का व्यूज होता है, तो वह शॉर्ट्स व्यूज या कि वॉच टाइम आवर्स आपके यहाँ पे कब अपडेट होता है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो इस एलिजिबिलिटी की पूरी जानकारी समझाने के लिए केवल आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर आपको अंत तक देखना है। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब से संबंधित मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो एलिजिबिलिटी की पूरी जानकारी समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे स्टार्टिंग समझाता हूँ, आपको यहाँ पे क्या प्रोसेस करना है। इसके लिए आप अपना बैक देख लीजिए, मैं बैक आ चुका हूँ। बैक आने के बाद आपको अपना बायटी स्टूडियो ऐप को ओपन करना। देख लीजिए, मैं अपने बायटी स्टूडियो ऐप को यहाँ से ओपन कर लिया। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे अर्न का ऑप्शन, देख लीजिए मैं अर्न के ऑप्शन पे क्लिक कर लिया। जैसे आप अर्न के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको ऊपर सेलेक्ट स्क्रॉल करना। देख लीजिए मैं ऊपर सेलेक्ट स्क्रॉल कर लिया। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा एलिजिबिलिटी, देख लीजिए, यानी चैनल को हाफ मोनेटाइज करने के लिए आपको एक साल के अंदर आपको 500 सब्सक्राइबर और 3000 घंटे का आपको वॉच टाइम आपको कंप्लीट करना पड़ेगा जब आपका यहाँ पे हाफ मोनेटाइज होगा। इसके बाद यदि आपको शॉर्ट्स चैनल है तो शॉर्ट्स चैनल के लिए आपको यहाँ पे 90 दिनों के अंदर आपको 3 मिलियन आपको व्यूज लाना पड़ेगा। यानी कि यदि आपका शॉर्ट्स चैनल है तो शॉर्ट्स चैनल के लिए आपको 90 दिनों के अंदर 3 मिलियन आपको व्यूज लाना पड़ेगा। यदि आपका यहाँ पर लॉन्ग चैनल है तो लॉन्ग चैनल के लिए आपको यहाँ पे 365 दिन के अंदर आपको यहाँ पे 3000 घंटे का वॉच टाइम और 500 आपको सब्सक्राइबर का आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको ऊपर से स्क्रॉल करना। देख लीजिए मैं ऊपर से स्क्रॉल किया, जहां पे आप फिर से आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। तो यह फुल मोनेटाइज का आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी शो कर रहा है, यानी कि यदि आप अपने चैनल को फुल मोनेटाइज करना चाहते हैं तो आपको एक साल के अंदर आपको यहाँ पे 1000 सब्सक्राइबर और आपको 4000 घंटे का आपको वॉच टाइम आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। यदि आपका लॉन्ग चैनल है तो लॉन्ग चैनल के लिए आपको एक साल के अंदर आपको यहाँ पे 4000 घंटे का वॉच टाइम और आपको 1000 सब्सक्राइबर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। यदि आपको शॉर्ट्स चैनल है तो शॉर्ट्स चैनल के लिए आप पिछले 90 दिनों में आपको 10 मिलियन आपको यहाँ पे व्यूज कंप्लीट करना पड़ेगा। यदि आपको शॉर्ट्स चैनल है तो शॉर्ट्स चैनल के लिए आपको यहाँ पे 10 मिलियन आपको व्यूज कंप्लीट करना पड़ेगा, वो भी लास्ट 90 दिनों में। आई होप आपको जानकारी समझ में आ गई होगी कि आपको अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए हाफ टारगेट क्या है और फुल टारगेट क्या है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, यदि आपका चैनल अभी हाफ मोनेटाइज हुआ तो हाफ मोनेटाइज पे आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, मेंबरशिप का, सुपर का और शॉपिंग का। आप इन 3 माध्यम से आप पैसे कमा सकते हैं। यदि आपको फुल मोनेटाइज हो जाएगा तो आप तो एडसेंस के माध्यम से पैसे कमा ही सकते हैं, और हाफ के माध्यम से आप यहाँ पे शॉपिंग, सुपर और मेंबरशिप के माध्यम से आप पैसे कमा सकते हैं। इसके बाद तो मैं यहाँ पे बात किया था एलिजिबिलिटी के बारे में, आपको यहाँ पे दिखा देगा एलिजिबिलिटी, उसके नीचे लिखा शोइंग डाटा एज ऑफ 15 मई 2024। तो जो आपको यहाँ पे डाटा दिखाई देगा, यानी कि जो आपको वॉच टाइम आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जो आपको यहाँ पे व्यूज दिखाई देगा, तो वह व्यूज और वॉच टाइम आपको दिखाई देगा 15 मई 2024 को। यानी कि जो आपका व्यूज है और जो आपका वॉच टाइम है तो वह अपडेट हुआ है 15 मई 2024। अपडेट अब कब होगा? अपडेट अब आपका होगा 1 हफ्ते बाद, कि पहले आपको 2 दिनों के अंदर आपका यहाँ पे अपडेट हो जाया करता था। अब ऐसा आया फीचर आया है कि आपका जो यहाँ पे डाटा होगा, जो आपका यहाँ पे व्यूज होगा, तो वह 1 हफ्ते बाद आपका अपडेट होगा। तो ऐसा यूट्यूब ने क्यों किया है, 1 हफ्ते बाद यहाँ पे क्यों अपडेट होता है? तो मैं आपको बता दूँ, यूट्यूब ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस ऐसे थे जो गलत ऐप का उपयोग करके यहाँ पे व्यूज लाया करते थे, गलत ऐप का उपयोग करके यहाँ पे वॉच टाइम लाया करते थे, सब्सक्राइबर अपना बढ़ाया करते थे गलत वेबसाइटों से। तो यूट्यूब ने इसलिए किया है कि जो आपका रियल वॉच टाइम होगा, जो आपका रियल यहाँ पे सब्सक्राइबर होगा, जो कि आपका रियल व्यूज होगा, वही काउंट होगा। जो फेक आपका सब्सक्राइबर होगा, फेक आपका व्यूज होगा, फेक आपका वॉच टाइम होगा, वह यहाँ पे अपडेट नहीं होगा। तो यूट्यूब ने ऐसा इसलिए किया है कि जो आपका रियल होगा तो रियल यहाँ पे काउंट होगा, जो आपका फेक होगा, फेक यहाँ पे काउंट नहीं होगा। जो आप गलत साइटों से, गलत ऐपों से आप यहाँ पे व्यूज, सब्सक्राइबर और आप वॉच टाइम बढ़ाया करते थे, वह यहाँ पे अपडेट नहीं होगा। पहले यूट्यूब पर 1 हफ्ते चेक करेगा, यदि आपका 1 हफ्ते के अंदर आपका व्यूज, सब्सक्राइबर और वॉच टाइम आपको सही है तो वह अपडेट करेगा, यदि आपको यहाँ पे सही नहीं है तो वह अपडेट नहीं करेगा। तो आई होप आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। यदि आपको जानकारी समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटे को प्रेस कर लीजिएगा। ये
यदि आपको वीडियो में कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो जब तक के लिए थैंक्स, चलिए फिर से अगले वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।